लौटा हूँ फिर से पागलपन का एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में तीन फुटबॉलर्स की ऐसी स्टोरीज लेकर आए जो अंदर आग ने तहलका मचा दी। पागलपन ऑफ फुटबॉलर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरी स्टोरी सादियो माने की है, दूसरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पहली जो रोंगटे खड़े कर देगी वो स्टोरी है इमैनुअल एडेबेयर की। वीडियो देखने के बाद इन लोगों के पागलपन के आगे तुम्हारे बहाने कितने छोटे हैं कमेंट्स में जरूर बताना। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नंबर 3, सादियो माने। ये बंदा जब अपने फर्स्ट फुटबॉल ट्रायल के लिए मैदान में उतरा तो उसके फटे जूते देखकर सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, और आगे इसी फटे जूते वाले बंदे ने फुटबॉल में अपनी छाप छोड़कर उन मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह पर अपने अनबिलीवेबल सक्सेस का तमाचा मार दिया। वो कहते हैं ना, किसी का हुलिया देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। अपने गांव में हॉस्पिटल ना होने की वजह से इस बंदे ने अपने पिता को खोया था, और उसी आग को दिल में रख के इस बंदे ने उसी गांव में 6-6 हॉस्पिटल खड़े कर दिए। इस बंदे के बचपन का एक किस्सा बहुत फेमस है। जब ये बंदा 12 साल का था तब इस बंदे ने 150 किलोमीटर, जी हाँ लिटरली 150 किलोमीटर पैदल चलकर अपना फर्स्ट फुटबॉल ट्रायल दिया था, क्योंकि बस या टैक्सी से जाने के लिए इस बंदे की जेब में पैसे ही नहीं थे। पर अंदर एक जुनून और पागलपन था जिसने उसे 150 किलोमीटर पैदल जाने पर मजबूर कर दिया। इस हालात में इस बंदे ने बहाना नहीं बनाया, तो इससे बेटर हालात में तुम क्यों बहाना बना रहे हो? याद रखना, बंदे को दुनिया सलाम उसके बहानों की वजह से नहीं बल्कि उसके पागलपन की वजह से ठोकती है। यही पागलपन तुम्हारी कामयाबी के बाद तुम्हारे दुश्मन को भी और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाले लोगों को भी तुम्हारा फैन बना देती है। दूसरी स्टोरी है एक माली के बेटे की जो आगे चलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना। रोनाल्डो की सक्सेस स्टोरी तो बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए इस वीडियो में रोनाल्डो की लाइफ की वो रटी रटाई बातें नहीं दोहराऊंगा। आज रोनाल्डो की लाइफ का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ जो इस बंदे को पागलों की कैटेगरी में शामिल करता है। बचपन में रोनाल्डो का अल्बर्ट नाम का एक बेस्ट फ्रेंड था, और उन दोनों का भी बचपन से सपना था कि उन्हें बड़े होकर दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। एक बार रोनाल्डो और अल्बर्ट ने एक अंडर-18 फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उस मैच का रूल ये था कि उन सब लोगों में से किसी एक का ही सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि टीम में सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। अब बॉस, ये एक ऐसी मैच होने वाली थी जो रोनाल्डो या उसके दोस्त अल्बर्ट की किस्मत पलट सकती थी। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुई, यू वोंट बिलीव कि अल्बर्ट ने जानबूझकर रोनाल्डो को गोल करने दिया, जबकि वो खुद उस गोल को डाक कर अपनी किस्मत चमका सकता था। और शायद अल्बर्ट वो सैक्रिफाइस ना करता तो शायद रोनाल्डो आज रोनाल्डो ना होता। लेकिन ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। कुछ सालों बाद एक जर्नलिस्ट को अल्बर्ट के बारे में पता चला, तो अल्बर्ट के बारे में जानने के लिए उसके घर चली गई। अल्बर्ट ना ही कोई फुटबॉलर था या ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अल्बर्ट के घर पहुंचते ही उस जर्नलिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। उस जर्नलिस्ट ने सोचा था कि अल्बर्ट ने रोनाल्डो के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी, इसका मतलब वो गरीब का गरीब ही रहा होगा। लेकिन अल्बर्ट का लाखों डॉलर्स का लग्जूरियस विला और उस विला के पार्किंग में खड़ी एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार्स को देखकर वो जर्नलिस्ट चौंक गई। और जब उसने अल्बर्ट से इसके बारे में पूछा तो अल्बर्ट ने जवाब में बस एक नाम लिया, रोनाल्डो। जी हाँ, उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ रोनाल्डो ने उसे प्रोवाइड किया था। जो अपने दोस्तों की भी जिंदगी बदलने की हैसियत और नियत रखता हो उसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। साला ऐसा पागलपन लाओ, ऐसी हैसियत बनाओ कि दोस्तों के बीच तुम खुदा बन जाओ। नंबर 1, द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी जहाँ खुदा ने भी अपने हार्ट टेक दिए, इमैनुअल एडेबेयर। बहुत कम लोग इस बंदे के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जिसकी जिद और पागलपन के आगे खुद साइंस और भगवान को भी हार माननी पड़ी थी। 1984 में अफ्रीका में इस बंदे का जन्म हुआ, और 1988 में 4 साल का होने तक ये बंदा ना चल सकता था और ना ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। जब इसके माँ बाप ने एक डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा कि इस बंदे के पैरों में कोई अननोन बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी, और ये जिंदगी भर अपाहिज ही रहेगा। लेकिन बॉस, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उन्होंने अफ्रीका का एक ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन सब डॉक्टर्स ने वही जवाब दिया कि इमैनुअल की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है। उसके पेरेंट्स ने किसी के कहने पर कंटिन्यू 7 दिन और 7 रात तक चर्च में इमैनुअल के लिए प्रेयर की, लेकिन बावजूद इसके कुछ भी नहीं बदला, और अब इमैनुअल के माँ बाप ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। अब एक दिन इमैनुअल अपने कमरे की विंडो में बैठा हुआ था, और तब अचानक उसकी नजर बाहर फुटबॉल खेलते हुए बच्चों पर पड़ी, और उस फुटबॉल को देखते ही पता नहीं इस बंदे के अंदर ऐसी क्या आग लग गई कि वो लिटरली खड़ा हुआ और कुछ चलते चलते ग्राउंड तक गया। और इतना ही नहीं बल्कि उसने उन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना तक शुरू कर दिया, और आगे चलकर यही बंदा अफ्रीका का रिचेस्ट एथलीट बन गया जो आज टोगोलेस नेशनल क्लब में एज अ स्ट्राइकर खेलता है। और साला इवन आज तक कोई डॉक्टर कोई चर्च इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि कैसे ये बंदा इस नाइलाज बीमारी से लड़ गया। भले साइंस के पास इसका कोई जवाब ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बंदे का फुटबॉल के प्रति पागलपन था जो इस बंदे ने ऐसी खतरनाक बीमारी को हरा दिया। जो भी तुम चाहते हो उसके लिए जब पागलपन अंदर आता है ना, तो मुश्किलें तुमसे दूर भागने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, ये होता है। भाई तुझमें किस बात का पागलपन है? दिन भर बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का, या फिर वेल्ले कामों में अपना वक्त बर्बाद करने का? या तू भी इन्हीं में से एक है जो दुनिया को खुद के कदमों में झुकाने की हैसियत, ताकत और नियत तीनों रखता है? जब इन हालातों में ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं? पूछना खुद से और आग की तरफ फैला दो इस वीडियो को।